शर्मा उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। जहरीली शराब कांड की गिरी गाज, एसपी गए पुलिस हेडक्वार्टर, सीएसपी निलंबित और सत्येंद्र कुमार शुक्ल होंगे नए एसपी। घोसला में मासूम हुई हैवानियत का शिकार, आरोपी गिरफ्तार, बंजारा समाज ने दिया ज्ञापन। गरबे और डीजे पर प्रतिबंध से मायूस हुए संस्कृति कर्मी और डीजे संचालक। वाहन चोरों की निशानदेही पर विक्रम सरोवर से बरामद हुई बाइक। और रेड नाइन टीम का देवी दर्शन सिलसिला जारी, पहुंची भद्रकाली और कामाख्या मंदिर। जहरीली शराब कांड के चलते गिरी गाज, आला अफसर भी आए दायरे में, मनोज कुमार सिंह भेजे गए पुलिस हेडक्वार्टर और नए एसपी होंगे सत्येंद्र कुमार शुक्ल। जहरीली शराब कांड से पैदा हुई प्रशासनिक फेरबदल की आंच की लपेटों ने अब आला अफसरों को भी अपनी जद में ले लिया है। इसी के चलते सीधा साधा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हुए भी एसपी मनोज कुमार सिंह को पुलिस हेडक्वार्टर भेजा गया। इसके साथ ही महाकाल सीएसपी रजनीश कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। उज्जैन के नए एसपी के तौर पर शहडोल से एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल का उज्जैन आगमन हो रहा है। गौरतलब है कि श्री शुक्ल को 20 साल की सेवाओं के बाद आईपीएस अवार्ड 2016 बैच में मिला। हैवानियत की हुई इंतहा, 6 साल की मासूम बच्ची से हैवान ने किया दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। लगता है कामुकता ने सारी हदें लांघ ली। यही वजह है कि कामान व्यक्ति पल भर भी नहीं सोचता कि वह क्या करने जा रहा है। ऐसे ही एक शर्मनाक वाक्या महितपुर तहसील के रागवी थाना अंतर्गत घोसला में घटित हो गया। घोसला की ही एक बस्ती में पिता मजदूरी करने गया था और माँ बाजार। दो मासूम बच्चियां जो आपस में बहने हैं, अपने घर के बाहर ओटले पर खेल रही थी। सामने के घर में रहने वाले एक हम्माल जिसका नाम मन्नालाल, पिता नागूलाल ने उस मासूम बच्ची को बहला कर अपने पास बुलाया और अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यह 6 वर्षीय बच्ची चिल्लाई। इसी दौरान बच्ची की माँ आ गई। उसने जब सारा मांजरा देखा तो वह बच्ची को अपने घर ले गई। सारी बात पता पड़ने पर वह पीड़िता बच्ची को लेकर थाने गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर 50 वर्षीय अधेड़ मुन्नालाल को गिरफ्तार किया और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी देते हुए एसडीओ महितपुर आर के राम ने बताया, पूरा मामला ये है कि वो दो बच्चियाँ जिसमें एक 9 साल की है और एक 7 साल की है, दोनों बहनें हैं, वो घोंसला में खेल रहे थे अपने घर के आगे और वहीं पड़ोस में रहने वाला मुन्नालाल बलाई नाम का एक व्यक्ति है जो उसमें से एक छोटी बच्ची को बहला फुसला करके ले गया था और उसके साथ वो गलत काम किया है घर में ले जाकर के अपने। और हम लोगों को जब सूचना मिली है तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को तो उज्जैन अस्पताल पहुँचवाया है और आरोपी को हमने राउंडअप कर लिया है और इसमें आगे की विवेचना की जा रही है। घोसला दुष्कृत्य प्रकरण से आक्रोशित बंजारा समाज ने पीड़ित मासूम बच्ची को न्याय दिलाए जाने और दोषियों को कड़ा दंड देने की मांग की। महितपुर के घोसला में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर बंजारा समाज में घोर आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश को व्यक्त करते हुए बामणिया बंजारा समाज कल्याण समिति ने एक ज्ञापन कलेक्टर एवं पुलिस कप्तान को दिया। ज्ञापन में पीड़िता को न्याय दिलाए जाने तथा दोषी को कठोर दंड दिए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर समाज के 100 से भी ज्यादा सदस्य हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। 4:10 पे पहुंच गए थे हम अस्पताल। 6:30 बजे चालू करा उन्होंने गुड़िया का, जब तक बैठा रखा अंदर गुड़िया को। हम तो जेंट्स को जाने दिया, लेडीज से अंदर बालिका को कहते तुमको बुला के लाओ, वो लेके आओ, क्या मांगते हो, पंचनामा लेके आओ, हाँ उसको फांसी फांसी होना चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। मामले की गंभीरता पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा, बहुत ही दुखद घटना घोसला में हुई थी जिसमें एक मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ था। हालांकि
अच्छी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जहां पे हम लोग तुरंत उसको चिकित्सालय लेके आए, सरकारी चिकित्सालय। वहां पर मतलब ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ने अच्छा काम करते हुए और सर्जरी भी करी और सर्जरी करा के उसको बच्ची को स्वस्थ भी कर दिया। तो कुल मिलाकर अब आरोपी भी गिरफ्तार है और बच्ची जो है स्थिति उसकी भी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया है। कोरोना आतंक के सामने हार मानने को तैयार नहीं माताजी के भक्त, बोले परंपरानुसार ही मनाया जाए दुर्गा उत्सव। कोरोना के आतंक की भेंट खेल, शिक्षा, साहित्य, कला के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियां भी चढ़ गईं। बीते 6 महीने में आए सारे त्योहार लगभग बगैर मनाए ही बीत गए, मगर माताजी के आराधकों को वर्जनाएं पसंद नहीं। उनकी यह नापसंदगी बेवजह नहीं है, खासकर उस वक्त जब चुनावी गतिविधियां पसरती हुई असीम होती जा रही हैं। नगर की ख्यात नृत्य गुरु डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी ने कहा कि दुर्गा उत्सव का एक कलात्मक पक्ष भी है, जिसे अभिव्यक्ति का अवसर इस अवधि में मिलता है। लग रहा है क्योंकि उसके गर्भे होने के कारण जो आनंद आता था, भक्ति आराधना का जो पर्व है, नव दुर्गा की शक्ति की आराधना का जो पर्व है, वो गर्भों की वजह से और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार बहुत ही एक अलग ही माहौल बनाता था। इस साल उस सबसे हम वंचित हैं। निश्चित रूप से उसके पीछे सभी के स्वास्थ्य और जीवन को लेकर चिंताएं हैं, और अगर गर्भे होते तो सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना जिसका जो फैल रहा है, इतनी महामारी जो COVID-19 है उसका जो असर है, उससे बचने के लिए जो जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उसमें ये भी कदम वरिष्ठ जनों ने लिया है। कहीं सोचा ही होगा कि कुछ हो सकता है कि हम बचाव कर सकें, लेकिन कुछ नियमों के साथ में अगर अनुमति दे भी देते तो गर्भामंडल जितने हैं वो शायद पालन करते हुए ये सब चीज़ें करते, हो सकता है। शील्ड निर्माता राधेश्याम वाडिया, जो पिछले 50 वर्षों से सक्रिय हैं, उनका कहना है, मैंने अभी हफ्ते भर पहले से मेरे पास पुराने सैंपल पीस रखे हुए थे, तो मैं ये सब निकाल करके मैंने इसलिए रखे हुए कि शायद आशा करके बैठा हूँ कि कोई आ जाए गर्भ वाले और इन सबको करके हमें देख के आर्डर देवे। प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इन गर्भ वालों को काम, मैंने ये उत्सव के लिए काम देवे तो हमें काम मिले। डीजे संचालक गोलू गोयल ने बताया, कलेक्टर साहब के थ्रू जो भी आदेश अनुसार ये है कि गरबे नवरात्रि में सिर्फ पंडाल ही बनेंगे, गरबे की परमिशन उन्होंने मना कर दी है, तो हमारा व्यवसाय तो पूरा ही ख़त्म है। डीजे लगाने का क्या बोला उन्होंने? प्रतिबंधित कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है के बोले के जो भी है सिर्फ गर्भे नहीं होंगे। देसाई नगर दुर्गा उत्सव मंडल संयोजक ब्रजेश श्रीवास्तव ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये सर हिंदू भावनाओं को अहित कर रहे हैं। ये अब निरंतर 27 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कन्याएं गर्भे नहीं कर रही और आकर पूछती है 10-10 बार कि कब गर्भे होंगे, कब गर्भे होंगे। प्रशासन का कहना है कोरोना के कारण कोरोना से थोड़ी ना मतलब, ये तो भावना है हिंदुओं की और सब लोगों की। आज ये माँ का कार्यक्रम, माँ का रहता है जागरण है, ये सब होता है, इसके अंदर भंडारे हैं, कन्या भोज है, ये सब करने पड़ते हैं। वाहन चोरों की निशानदेही पर विक्रम सरोवर से बरामद हुई चोरी की बाइक। जीरो पॉइंट ब्रिज के समीप चेकिंग के दौरान बगैर नंबर की बुलेट पर सवार बाइक चोर और उनका नाबालिग साथी पकड़ाए थे। उन्होंने वाहन चोरी की वारदात कबूली थी। इसी कबूलने के दौरान उन्होंने एक बाइक विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र स्थित तालाब में फेंकना भी कबूला था। पुलिस दल ने इस निशानदेही पर सरोवर से बाइक बरामद की। वाहन जब्ती की जानकारी देते हुए बताया, हमारे द्वारा आरोपी पवन को गिरफ्तार करके लगभग 7 मोटरसाइकिल कल जब्त की गई थी, उसी के तारतम्य में और पूछताछ करने पर उसके द्वारा एक यूनिवर्सिटी के तालाब में एक मोटरसाइकिल को रखना बताया था छुपाकर, और उस आधार पर हमने इसके मेमोरेंडम के आधार पर गाड़ी को सर्च कराया गया। सर्च करने के बाद तालाब के अंदर पूरा सर्च करने के बाद एक मोटरसाइकिल हमें मिली है। उस मोटरसाइकिल को
काफ़ी परिस्थितियाँ विपरीत थी, तो क्रेन के माध्यम से अंदर से निकलवाया है और आरोपी को गिरफ्तार पहले से कर चुके पीआर पे हैं और माननीय न्यायालय समक्ष प्रेस किया जाएगा और पूछताछ जारी। यदि और मोटरसाइकिल किसी स्थिति में कहीं पर भी होगी, हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि जब्ती की कार्रवाई। रेड नाइन संवाददाता हमारे दर्शकों को करवा रहे हैं शहर के देवी मंदिरों के दर्शन। आइए चलते हैं भद्रकाली और कामाख्या माता मंदिर। उज्जैन शहर के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि इस धार्मिक नगरी में इतने धर्म स्थल हैं कि आप एक बोरी चावल ले जाओ और चुटकी भर चावल हर मंदिर में चढ़ाओ तो चावल समाप्त हो जाएंगे, मगर मंदिर नहीं। जाहिर है यहाँ अनेक ज्ञात अज्ञात देवी मंदिर हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर रेड नाइन के संवाददाता मनोज भटनागर इन दिनों नगर के देवी मंदिरों के महत्व को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से नगर भ्रमण कर रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान आया भद्रकाली का मंदिर, जिसे बंगाली बाबा शांति प्रिय ने हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थापित किया था। बंगाली बाबा ने बताया, ये जो स्थान है हरसिद्धि मंदिर के पीछे है, हरसिद्धि पीठ का धरा देवी है ये भद्रकाली मैया। यहाँ श्री समर्थ बंगाली बाबा काफ़ी वर्षों पहले तारापीठ से जिंदी समाधि लेकर के अवंतिका में पधारे थे और यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ माता जी को भद्रकाली मैया को विराजमान करा। इसी तरह रंजीत हनुमान मंदिर के समीप कामाख्या माता का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता स्वयंभू हैं, अर्थात स्वयं प्रकट हुई हैं। ये आप जो मूर्ति देख रहे हो, ये मूर्ति स्वयंभू है, ये करीबन 15-1 साल पहले जमीन में से खुद प्रकट हुई। इसके ये पाषाण का पत्थर है, चारों तरफ इन्हें भैरव के रूप में पूजा जाता है। आज से 10-12 वर्ष पहले जो नागा सन्यासी हैं उनकी कुल देवी माँ कामाख्या हैं, उनको स्वप्न में महाराज जी जो आनंदपुरी जी उनको दर्शन दिए थे, माता जी ने स्वप्न में के रंजीत हनुमान के सामने उनका पिंड स्थापित है, तो उन्होंने आकर यहाँ पर खुदाई प्रारंभ की और माता जी का पिंड यहाँ से प्राप्त हुआ। उज्जैन के धर्म स्थलों में शासन प्रशासन और नगरवासी तो निर्माण कार्य करते ही हैं, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले श्रद्धालु भी देखरेख में अपना योगदान देना नहीं भूलते। महाराष्ट्र के पुणे नगर के डॉक्टर सागर कोलते अक्सर देवदर्शन को उज्जैन आते रहते हैं। यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थलों में शनि मंदिर भी वो सतत आते हैं। त्रिवेणी स्थित इस शनि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु जनों को चिलचिलाती धूप में आराधना अर्चना करनी पड़ती थी। इस परेशानी को देखते हुए डॉक्टर कोलते ने मंदिर परिसर में 4000 स्क्वायर फीट के टीन शेड का निर्माण करवाया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं महंत विनीत गिरी ने उस शेड का विधिवत उद्घाटन कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि 8 लाख की लागत से बने इस शेड का निर्माण 3 महीने में पूरा किया गया, जो पुणे के डॉक्टर सागर कोलते परिवार द्वारा दी गई राशि से हुआ। डॉक्टर सागर कोलते ने उज्जैन के प्रति अपनी श्रद्धा को कुछ इस तरह प्रकट किया। जो हमने टीन शेड का लोकार्पण किया है वो भक्तों की सेवा के लिए है। हर साल उज्जैन में जो शनि अमावस होती है या वहां पे उत्सव होते हैं, वहां पे श्रद्धालु स्नान करने के बाद शनि भगवान जी के दर्शन करने के लिए तथा नवग्रह के दर्शन करने के लिए वहां पे आते हैं। उनके लिए वहां पे हमने बहुत धूप में उनको छाव मिले, इसलिए हमने एक टीन शेड का 4000 स्क्वायर फीट का बनाया है और वो उनके लिए सेवारोपण में रखा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दिनेश जाटव के साथ अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम सबका सौभाग्य देवाधिदेव शनि महाराज के यहाँ प्रांगण में आज पूना की कंपनी ने आपकी तरफ से 8.5 लाख के आसपास से ये जो प्राइवेट स्तर पे CSR फंड से सेट बनाया है, इससे जनता को निजात मिलेगी गर्मी में, खास करके ये जो बहुत पाँव जलते हैं या खुला खुला है, आने वाले समय में दर्शनार्थी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का हम स्वागत भी करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो एक साइड और बची है इसका भी जल्दी जल्दी निर्माण कराएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जहरीली शराब कांड की गिरीगाज, एसपी गए पुलिस हेडक्वार्टर, सीएसपी निलंबित और सत्येंद्र कुमार शुक्ल होंगे नए एसपी। घोसला में मासूम हुई हैवानियत का शिकार, आरोपी गिरफ्तार, बंजारा समाज ने दिया ज्ञापन। गरबे और डीजे पर प्रतिबंध से मायूस हुए संस्कृति कर्मी और डीजे संचालक। वाहन चोरों की निशानदेही पर विक्रम सरोवर से बरामद हुई बाइक। और रेड नाइन टीम का देवी दर्शन सिलसिला जारी, पहुंची भद्रकाली और कामाख्या मंदिर। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी। नमस्कार।